तो हेलो गैस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो हम वापस आ चुके हैं GTA 5 की एक और नई वीडियो के साथ और अपनी इंडियन कार के साथ। और गैस, आज हम लोग करने वाले हैं GTA 5 में अपनी इंडियन कार के साथ एक और नए टाइप का सस्पेंशन टेस्ट, जिसका नाम हमने रखा है भाई फॉलन ट्रीज चैलेंज। तो भाई यहाँ पे जो अपना ट्रैक है भाई, वो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गैस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कितने सारे पेड़ पड़े हुए हैं भाई यहाँ पे नीचे ज़मीन पे। तो भाई अपनी इंडियन कार भाई सिंपली भाई लेफ्ट साइड से आने वाली है उस रास्ते से, और भाई इनके ऊपर से निकलेंगी, और उसके बाद भाई अपनी जो भी इंडियन कार भाई फिनिश लाइन पे भाई सही सलामत पहुंच जाएगी, वो हो जाएगी भाई इस टेस्ट में पास। मतलब कि एक तरीके से भाई ये पूरा पूरा सस्पेंशन टेस्ट ही है, लेकिन जो भाई अपने पेड़ हैं यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। तो देखते हैं भाई अपनी कौन सी इंडियन कार भाई इस चीज़ को कंप्लीट कर पाती है यहाँ पे। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं भाई आज की इस वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पे जो पहली गाड़ी है वो है भाई अपनी रूबीकॉन। तो देखते भाई जो अपनी रूबीकॉन है ये कैसा करती है, और भाई जो इसके सस्पेंशन से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो मुझे लग रहा है भाई इसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। और भाई ये चलिए अपनी रूबीकॉन यहाँ पे, और भाई साहब देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से भाई अपनी रूबीकॉन यहाँ पे कर रही है। ओ भाई, तो भाई आपने देखा भाई जो अपनी रूबीकॉन है इसने क्या लाजवाब तरीके से भाई अपना जो टेस्ट है भाई यहाँ पे पूरा किया है। तो भाई अपनी रूबीकॉन भाई सक्सेसफुली भाई इस टेस्ट में पास होती है। तो भाई बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार पे। तो गैस, यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी स्कॉर्पियो S11। तो देखते हैं भाई जो अपनी स्कॉर्पियो S11 है भाई इसका क्या हाल होता है। तो भाई ये चलिए अपनी स्कॉर्पियो S11, और SUV कार है तो मेरे हिसाब से भाई इसको यहाँ पे कर लेना चाहिए। और भाई ये चलिए अपनी स्कॉर्पियो S11, और भाई साहब यहाँ पे जो अपनी स्कॉर्पियो S11 है भाई वो हो चुकी है भाई इस टेस्ट में पूरी तरीके से फेल। तो देख सकते भाई अंजर पंजर हिल चुके हैं भाई अपनी स्कॉर्पियो के। तो भाई हटाते इसको यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गाइस, अब जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी फोर्ड के एंडेवर। और भाई जो अपनी एंडेवर है काफ़ी ज़्यादा दमदार, देखते हैं भाई जो अपनी एंडेवर है भाई उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है यहाँ पे। और ये चली भाई अपनी एंडेवर यहाँ पे, और भाई ओ भाई साहब ओ भाई, तो भाई जो अपनी एंडेवर है भाई उसने ये वाला टेस्ट भाई एकदम बढ़िया तरीके से कर दिया। एंड में आके बस ये फिनिश वाली लाइन पर भिड़ गई थी, लेकिन भाई जो अपनी एंडेवर है भाई पूरी तरीके से भाई यहाँ पे हो चुकी है इस टेस्ट पे पास। तो भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी भाई यहाँ पे अपने एंडेवर की। तो गाइस, अब जो हमारी अगली गाड़ी है यहाँ पे वो है भाई अपनी दमदार महिंद्रा थार। तो देखते हैं अपनी थार कर पाती कि नहीं। वैसे अपने एंडेवर ने कर दिया तो मुझे लग रहा है भाई अपनी थार भी कर ही देगी, क्योंकि भाई इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस जो है भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पे। तो ये चली भाई अपनी महिंद्रा थार यहाँ पे। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो भाई थार के साथ अलग ही सीन हो गया। मुझे लगा था कि भाई ये कर जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो बम्पर है आगे वाला वो लड़ गया भाई किसी ना किसी पेड़ पे। तो भाई अपनी जो थार है भाई उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी, तो इसको हटाते हैं अब यहाँ से। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा। देखते हैं भाई जो अपनी इनोवा क्रिस्टा है उसकी जो परफॉर्मेंस है कैसी निकलती है यहाँ पे। और भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा की जो सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है, बस इसके जो टायर का साइज़ है थोड़ा छोटा है। खैर देखते हैं भाई यहाँ पे कैसा चलता है भाई अपनी इनोवा का। और ये चली भाई अपनी इनोवा यहाँ पे, और भाई साहब अपनी इनोवा काफ़ी सही तरीके से अभी तक कर रही है। ओ भाई साहब, मतलब जो अपनी इनोवा है उसने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया, यानी कि भाई अपनी जो थार है वो फेल हो गई, अपनी स्कॉर्पियो फेल हो गई, लेकिन भाई जो अपनी इनोवा है भाई इसने एक ही बार में ये कर दिया। तो भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ी गाड़ी निकली भाई यहाँ पर अपनी इनोवा। तो भाई इसको हटाते हैं अब यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कार को। तो गाइस, यहाँ पे जो भाई अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर। देखते हैं भाई जो अपनी लेजेंडर है भाई यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे चली भाई अपनी लेजेंडर, और ये चली भाई ऊपर, और भाई साहब यहाँ पे जो अपनी लेजेंडर है भाई, भाई साहब अपनी लेजेंडर के साथ इधर गलत सीन हो गया, क्योंकि भाई इसका जो बम्पर आगे रहा वो काफ़ी ज़्यादा नीचा है, जिसकी वजह से भाई ये गाड़ी ऐसे पलटियाँ मार गई। देख सकते हो भाई आगे के बम्पर की भाई हालत पूरी ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। तो अपनी लेजेंडर भाई फेल हो गई है इस टेस्ट में भाई, कहते हुए भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन जो है भाई वो तो है। तो इसको हटाते हैं यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कार को। तो गाइस, अब जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी टाटा हैरियर। देखते हैं भाई यहाँ पर अपनी हैरियर है भाई ये कैसा परफॉर्म करती है। भाई काफ़ी ज़्यादा हैवी कार है, तो ये चलिए भाई अपनी हैरियर यहाँ पर। और भाई ओ भाई साहब, यहाँ पर जो अपनी हैरियर का बम्पर है भाई, मतलब भाई गाड़ी ने पूरी पूरी पलटियां मार दी भाई साहब यहाँ पे। ओ भाई, इसके टायर्स देख सो कैसे धुआं से निकल रहा है भाई, ये क्या सीन हो गया। तो भाई जो अपनी हैरियर है भाई इसमें कुछ दिक्कत सी हो गई है भाई, टायर से एकदम धुआं निकल रहा है। तो भाई इसको हटाते हैं जल्दी से यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गाइस, अब जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी XUV 700, और काफ़ी ज़्यादा दमदार कार है। तो देखते हैं भाई जो अपनी XUV है भाई इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है यहाँ पे। तो ये चली भाई अपनी XUV यहाँ पे, और ये मारा भाई अपनी XUV ने। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो भाई अपनी जो XUV है भाई पलट चुकी है भाई पूरी तरीके से। ओ भाई सीधी हो गई। अरे भाई यार, माइकल दब गया भाई नीचे।
तो भाई यहाँ पे जब अपने एक्स्यूवी की है भाई पूरी तरीके से भाई फेल हो चुकी है यहाँ पे भाई। इसका जो पीछे का हिस्सा है भाई इसका तो एकदम होलिया ही बिगड़ चुका है भाई। तो इसको हटाते हैं अब इधर से। तो गाइस अब जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी सुजुकी स्विफ्ट। तो देखते हैं भाई जो अपनी सुजुकी स्विफ्ट है भाई वो कैसा परफॉर्म करती है यहाँ पे। वो काफ़ी छोटी गाड़ी है भाई अपनी ये। और ये चली भाई अपनी सुजुकी स्विफ्ट यहाँ पे। और भाई साहब यहाँ पे जो अपनी सुजुकी स्विफ्ट है भाई पूरी तरीके से भाई पलटियाँ मार चुकी है भाई। तो गैस अपनी जो सुजुकी स्विफ्ट है भाई यहाँ पे फेल हो चुकी है। और भाई ये गाड़ी काफ़ी नीची थी भाई जिसकी वजह से भाई ये सीन हुआ है यहाँ पे। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए तो भाई ये गाड़ी वैसे ही बनी नहीं हुई है, फिर भी हम लोग इसको लेके आ गए यहाँ पे। तो भाई इसको हटाते हैं अब यहाँ से। तो गैस यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी वितारा ब्रेज़ा। तो देखते हैं भाई जो अपनी वितारा ब्रेज़ा है भाई यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और ये चली भाई अपनी वितारा ब्रेज़ा यहाँ पे। और भाई साहब यहाँ पे जो वितारा ब्रेज़ा है भाई ये भी फेल हो चुकी है भाई। ओहो इसका बम्पर वम्पर सब पूरा लड़ गया आगे से। तो भाई इसको हटाते हैं अब यहाँ से। तो भाई अब जो हम लोग नेक्स्ट कार लेके जा रहे हैं भाई वो है अपनी 2014 वाली फॉर्चुनर, यानी कि सबसे पुरानी वाली फॉर्चुनर। तो देखते हैं भाई इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। भाई इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर। और ये चली भाई अपनी फॉर्चुनर यहाँ पर। और भाई साहब यहाँ पे भाई जो अपनी सारी गाड़ियाँ हैं भाई एक एक करके भाई पलटियाँ मार रही हैं भाई। पता नहीं कितना ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई यहाँ पे। बस अभी तक अपनी दो ही कार कर पाई हैं भाई, अपनी रूबीकॉन और भाई अपनी एंडेवर। तो भाई अपनी ये वाली गाड़ी भी यहाँ पे हो चुकी है फेल भाई। अपनी फॉर्च्यूनर को भी हटाते हैं हम यहाँ से। तो गैस अब जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी 2021 वाली सफारी। तो देखते हैं भाई इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। और काफ़ी हैवी कार है भाई ये। तो ये चली भाई अपनी सफारी 2021 और देखते भाई कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और भाई यहाँ पे जो अपनी सफारी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर रही हो भाई। तो गैस यहाँ पे जो मेरी तीसरी गाड़ी भाई जो इस टेस्ट को कर पाई है वो है भाई अपनी सफारी 2021। भाई क्या परफॉर्मेंस दी है भाई इस गाड़ी ने। तो भाई लेते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कार को। तो गैस अब जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी ह्यूंडई क्रेटा। तो देखते हैं भाई जो अपनी क्रेटा है यहाँ पे वो कैसा करती है भाई, यहाँ पे पार्क कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये चली भाई अपनी ह्यूंडई क्रेटा इधर और 100 की स्पीड पकड़ ली भाई इस गाड़ी ने। ओ भाई साहब यहाँ पे जो भाई हमारी क्रेटा है भाई पलट चुकी है भाई साहब, गेट खोलने से पहले ही टूट गया भाई। तो यहाँ पे जो भाई क्रेटा है भाई वो भी होती है भाई पूरी तरीके से भाई इस टेस्ट में यहाँ पे फेल। तो गैस अब जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी नन्नी सी i10 न्योस। तो देखते हैं भाई जो अपनी i10 है यहाँ पे वो कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चली भाई अपनी i10 यहाँ पे और भाई काफ़ी स्पीड पकड़ ली भाई अपनी i10 ने। ओ भाई यहाँ पे जो i10 की हालत है भाई वो आप लोग देख सकते हो भाई क्या हो गई है भाई। गाड़ी जो है ना भाई आगे से एकदम पिचक चुकी है। और भाई अपनी i10 भी यहाँ पे होती है भाई इस टेस्ट से आउट। तो भाई इसको हटाते हैं यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गैस अब जो हम लोग अपनी अगली गाड़ी ले रहे हैं भाई वो है भाई अपनी ह्यूंडई वरना। देखते हैं भाई जो अपनी वरना यहाँ पे वो कैसा करते हो भाई। ये एक सेडान कार है तो मुझे इससे उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये चलिए भाई अपनी वरना यहाँ पे। और भाई साहब मुझे तो पता ही था भाई ऐसा ही होने वाला है। लेकिन भाई इतनी बुरी टक्कर के बाद भी इस पे जो डेंट है भाई काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही माइनर से डेंट्स आए हैं भाई इसमें, मतलब कितने बड़े डेंट नहीं आए हैं। तो भाई ये तो काफ़ी अलग बात हो गई, मतलब कि ऐसी टक्कर पे मतलब डेंट तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। तो भाई इसको हटाते हैं यहाँ से। तो गैस अब जो हमारी अगली गाड़ी वो है भाई अपनी नॉर्मल वाली टोयोटा फॉर्चुनर। देखते हैं भाई जो अपनी ये वाली फॉर्चुनर है इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। और भाई साहब इसके टायर्स तो भाई अपने लेजेंडर से काफ़ी छोटे हैं भाई। तो देखते हैं भाई अपनी ये वाली फॉर्चुनर यहाँ पे कैसा करती है। ओ भाई मुझे लगा था एक पल की भाई कर ले जाएगी, लेकिन भाई जो अपनी फॉर्चुनर है भाई ये वाली उसका भाई जो बोनेट वोनेट है भाई आगे से देख सकते हो भाई पूरा खुल चुका है भाई साहब। तो भाई अपनी ये वाली फॉर्चुनर भी होती है यहाँ पे फेल। तो अब लेते हैं भाई अपनी आखिरी गाड़ी को जो की है भाई अपनी वैगनार। तो गैस यहाँ पे जो अपनी वैगनार है भाई वो एकदम रेडी हो। देखते हैं भाई जो अपनी वैगनार है भाई इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है भाई इधर। तो ये चली भाई अपनी वैगनार यहाँ पे और यहाँ पे चल रही भाई अपनी वैगनार। ओ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ गई भाई, मतलब मुझे नहीं लगा था कि अपनी वैगनार इतनी आगे आएगी, लेकिन भाई जो अपनी वैगनार भाई ये काफ़ी ज़्यादा आगे आ गई भाई। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।